आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा, वो भी एक चम्मच मावे में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर किचन कोकनी बाइट्स। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ ज़ैनब कोनकरी, स्वागत है आपका हमारे किचन में। हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें एक चम्मच घी हम ऐड करेंगे। कढ़ाई थोड़ी बड़ी और मोटी तले की होनी चाहिए। अब घी मेल्ट होने पर इसमें हमने हाफ कप जितना ड्राई फ्रूट्स ऐड किया है। अब ड्राई फ्रूट्स टोटली ऑप्शनल है, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो इसे हमें स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है और फिर जैसे ही ये रोस्ट हो जाए तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब उसी घी में हमने ऐड करना है गाजर, ये 5 कप गाजर है। ये इसे हमने कद्दूकश कर लिया है, इसे ऐड कर लेंगे और एक अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। हमने स्टार्ट में ऐड किया था 1 चम्मच घी जो हमने रोस्ट करने के लिए यूज़ किया है अपने ड्राई फ्रूट्स को। तो अब हम इसमें और 1 चम्मच घी ऐड कर लेंगे। इसमें बस 2 ही चम्मच घी हम यूज़ करने वाले हैं। ये इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे ही गाजर जैसे कोट हो जाए घी से, जिससे उस पर एक अच्छे से शाइन आ जाएगी। इसे हम लो फ्लेम पर ही करने वाले हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गाजर अच्छे से कोट हो चुके हैं और इस पर एक अच्छे से शाइन भी आ चुकी है। इसे हम इसी तरह से थोड़ा मिक्स कर लेंगे और पकने रखेंगे। अब हम इसे 10 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे ढककर। दस मिनट हो चुके हैं, अब चेक कर सकते हैं पानी रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं 4 कप, जितना कप हमने इसमें गाजर इस्तेमाल किया है उतना ही हमें इसमें मिल्क यूज़ करना है। हम जितना मिल्क यूज़ करेंगे उतना ही हमें इसे पकाने की ज़रूरत होगी और जितना हम इसे पकाएंगे उतना ही ज़्यादा मावा बनेगा इसमें। तो आप देख सकते हैं इसे हमने ढककर रख दिया था, इसमें उबाल आ रहा है। इसे चलाते जाएंगे, इसे ढककर इसी तरह से पकाते रहेंगे जब तक कि इसका दूध जो है वो पूरी तरह से रिड्यूस ना हो जाए। अब देख सकते हैं जैसे ही उबाल आ रहा है मैं इसे खोलकर अच्छे से चला रही हूँ। इसी तरीके से हमें 15 से 20 मिनट लग जाएंगे ये सारे मिल्क को रिड्यूस करने में। अब आप देख सकते हैं मिल्क ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें हमने ऐड किया है 1 चम्मच जितना मावा। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हमने ऐड कर लिए सारे ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करके रखे थे। इसमें ऐड किया है शुगर 1 कप, इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे मिक्स करके ढककर हम रख देंगे और 15 मिनट के लिए। अब देख सकते हैं शुगर आखिर में ऐड करने की वजह से इसमें बहुत अच्छी शाइन आ जाती है और ये पूरा बन चुका है हलवा। अब देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है, इसमें दाने भी बहुत अच्छे बने हैं मावे के। वीडियो में देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन हलवा बनके हमारा रेडी हो चुका है। सर्दियों के मौसम में ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। इसमें हमने कोई भी तरीके का फूड कलर नहीं ऐड किया है, फिर भी कितना अमेजिंग दिख रहा है, ज़रूर ट्राई करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।